अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्मो लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो सबसे अहम है, और ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में एक अहम रोल प्ले करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा होगी ना, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, जैसे मैंने अपनी लेटेस्ट लास्ट वीडियो में बताया था, वो सब प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। आप हम सबको बताए, अब मैं आपको समझाऊंगी ग्राफ से। आपके सामने ग्राफ है, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपकी एक्स एक्सिस में पीरियड्स के नंबर है, पीरियड टेबल में मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड आप वाई एक्सिस में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ में देख रहे हैं कि सबसे टॉप पे ना हर ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, लाइक वाटर, ये सल्फ्यूरिक एसिड, एसेट्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोआयडिक एसिड, सॉरी हाइड्रोआयडिक नहीं, मतलब ये तीन ही आपको नजर आ रहे हैं, अमोनिया भी ले लेते हैं। तो इसमें जो है कि जब आप पीरियड टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, मोस्टली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो 4 ग्रुप से लेकर 7 ग्रुप तक लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, टॉप टू बॉटम जाते हुए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात की थी कि टॉप टू बॉटम जाते हुए क्यों ज्यादा होता है, साइज बड़ा होता है तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज्यादा होने से भी हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं हर ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के साथ, अगर आप बात करें हम देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका नजर आ रहा है आप लोगों को, वाटर का। स्टूडेंट्स वाटर इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों शो करते हैं, बिकॉज वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज इट हैव अ 2 लोन पेयर। तो वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भर जाता है, और हालांकि होना किसका चाहिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, बिकॉज फ्लोरिन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन कोई आपसे पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ज्यादा क्यों होता है, तो आप लोगों ने कहना है बेशक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरिन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फ्लोरिन कैन फॉर्म ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब आपको पता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंट्रैक्शन है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के पास 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन है और नीचे वाले ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इस तरह से वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली बना लेता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की बात करें, बेशक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, उसके बावजूद उसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन 1 है, ठीक है। तो वो फ्लोरीन जो है वो उसके पास से एक सामने एक ही हाइड्रोजन आता है, एक ही हाइड्रोजन होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो हैलोजन फैमिली का सबसे फर्स्ट मेंबर है, अगर हम उसकी बात करें तो हैलोजन फैमिली के सबसे फर्स्ट मेंबर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट नीचे वाले तमाम मेंबर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के अलावा अगर आप देखें तो पहले तो उसका ज्यादा होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, उसको आप साइड पे कर दें। अब बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रोआयडिक एसिड, इन तीनों में से ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोआयडिक एसिड का, क्यों, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर कम बल्कि पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से टॉप टू बॉटम जाते हुए अगर आप हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को उतार, मतलब फर्स्ट मेंबर को आप अगर आप इग्नोर करें, तो जब आप नीचे देखेंगे तो लेफ्ट से टॉप टू बॉटम जाते हुए पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं बढ़ता, जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं उनमें एक दूसरा फैक्टर आ जाता है पोलराइजेबिलिटी का, ठीक है। एंड अगर हम बात करें अमोनिया की, तो एज यूजुअल की अमोनिया जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने तमाम मेंबर से ज्यादा है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अपने बाकी तमाम मेंबर से ज्यादा होता है। सर आप लोगों के क्वेश्चन आ सकता है कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसके बावजूद भी एक लो एसिड क्यों है, उसकी एसिडिटी इतनी कम क्यों है। इसकी रीजन ये है कि जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो जिगजैग मैनर में बनाता है। तो आप देख रहे हैं आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो हाइड्रोजन है वो 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बेस आती है तो उस पर अटैक नहीं कर पाती। आपको पता है एसिड किसे कहते हैं, जो प्रोटोन डोनेट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो इजिली प्रोटोन डोनेट कर दे। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो इजिली डोनेट नहीं कर सकता एज कम्पेयर टू HCl, क्यों, क्योंकि उसका हाइड्रोजन जो है वो ट्रैप हो जाता है बिटवीन 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ठीक। एंड होपफुली आपको मेरे तमाम प्रॉपर्टीज समझ आई होंगी। थैंक यू।